कारखाना अधिनियम में बदलाव को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा में विधायक सोहन वाल्मीकि ने कारखाना नियम में बदलाव पर विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी है। शिवराज सरकार में लॉकडाउन के चलते कारखाना नियम में बदलाव को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने विरोध दर्ज किया है और तहसील में ज्ञापन सौंपा। विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि कारखाना अधिनियम में श्रमिक विरोधी नियम बनाए गए हैं। उन्होंने 8 घंटे से 12 घंटे कार्य किए जाने को मजदूर विरोधी नियम बताया। विधायक ने लॉकडाउन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक की ओर से हमने ज्ञापन एक सौंपा है और उस ज्ञापन के अंदर में इस बात का उल्लेख है कि जो कारखाना अधिनियम के तहत में जो बदलाव किया गया है उस बदलाव का राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक सख्त विरोध करता है, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर में मजदूरों के जो हालात हैं, आज मजदूरों के रोजगार चला गया, लोग दर दर भटक रहे हैं महामारी कोविड-19 के चलते। आज केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, हजारों की संख्या में लोग पैदल अपने घर की ओर बढ़े हैं, चूक हुए हैं, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है इस कोरोना वायरस के चलते हुए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।